प्रोपेगेंडा, हक के खिलाफ हमेशा गलत प्रोपेगेंडा, हमेशा गलत प्रोपेगेंडा। बुजदिल लोग गलत प्रोपेगेंडा करते हैं इसलिए कि बुजदिल जब जीत नहीं पाता तो वो गलत प्रोपेगेंडा करता है। जिसको प्रोपेगेंडा करते थे वो समझ जाओ कि ये बुजदिल है। आज भी इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बुजदिल लोग हैं। कल तक के तकरीरों का सहारा ले रहे थे, तकरीरों में हार गए तो तहरीरों का सहारा लिया, तहरीरों में हार गए तो वेबसाइट का सहारा लिया, वेबसाइट पे भी हार गए तो फिल्मों का सहारा लेकर समझते हैं कि इस्लाम के खिलाफ लोगों को बहका लेंगे। ओ नचनियों अपनी औकात में रहो। वाह वाह वाह, नचनिए समझाएंगे कुरान की आयत का मतलब क्या है। नचनियों नाचते रहो, तुम्हारी औकात उतनी ही है। तुम कुरान की आयत का मतलब हमें बताओगे? हमारे यहाँ उसूल है, हर आलिम भी कुरान की आयत का मतलब अपनी तरफ से नहीं बता सकते। हमारे यहाँ इल्मे तफसीर का उसूल है, जब तक 54 उलूमों में आलिम को महारत नहीं हो जाती उस वक्त तक उसको कुरान की तफसीर करने का हक नहीं दिया जाता। तकरीर करने का हक हर आलिम को है, तफसीर करने का हक हर आलिम को नहीं है। तो जब आलिम तफसीर नहीं कर सकता, हर आलिम तो नचनिया तफसीर करेगा? औकात देखो, बैठ के इस्तिंजा करने का शऊर नहीं, कुरान पर बात करने चले। अरे लोगों के हकीमुल उम्मत कहलाने वाले ठोकर खा गए कुरान को समझाने में। तुम कौन हो? बड़ा बुखार आ रहा है, मेंढकियों को जुकाम हुआ है, औरत को खेती कह दी, औरत को खेती कह दी। मैंने कहा कुरान समझने के लिए साहेबे कुरान की खैरात चाहिए, वरना अरब में पैदा होने वाले भी ना समझ सके। खेती कहने पर तुम्हें गुस्सा आता है? मैंने कहा खेती किसकी होती है? जिसकी खेती होती है उसको किसान कहते हैं। और मेरे भारत के अंदर लोग जय जय किसान का नारा लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं अपने अकीदे में वो जय किसान का नारा लगाते हैं। वो किसान को अपने अकीदे में अन्नदाता कहते हैं। वो किसान को जितनी सब्सिडी दे दी जाती है हमारे भारत में किसी और को नहीं दी जाती। जितना इज्जत के साथ किसानों को रखा जाता है किसी और को नहीं रखा जाता। क्यों? किसान बंदा कहते हैं, खेती से बनता है। जिसके पास खेती है वही किसान होता है। पता चला खेती वाला किसान होता है और जो किसान होता है वो इज्जतदार होता है। और तुम्हारे पास खेतियां नहीं है ना, इसलिए तुम खेती की अहमियत नहीं जानते। नंबर दो, खेती ही से फल निकलते हैं, खेती ही से फूल निकलते हैं, खेती ही से पत्तियां निकलती है, खेती ही से रोजी मिलती है, खेती ही से अनाज पैदा होता है। गेहूं चावल बाजरा ये सब खेती से मिलते हैं। अगर खेती ना हो तो कुत्ते की तरह सीने पे जबान लटक जाए, खाने के लिए मोहताज हो जाओ। और हमारे हिंदुस्तान में लोग खेती को मां कहते हैं। खेती को माँ, खेती कह दिया, मैंने कहा खेती माँ कही जाती है। लोग अपने अकीदे में खेती को माँ कहते हैं, खेती करने वाले की जय विजय पुकारते हैं, उनकी सब्सिडी का मुतालबा। किसी के भी साथ अन्याय हो जाए लोग तड़पे न तड़पे, लेकिन अगर किसान के साथ अन्याय हो जाए तो पूरा मुल्क तड़पता है। इसलिए कि किसान मर जाएगा तो पूरा मुल्क मर जाएगा, अनाज कौन इंतजाम करेगा? एक बात और बताऊं, लेकिन खेती की खसूसियत होती है, बहुत नफीस नुक्ते इधर इशारा कर रहा है। खेती की खसूसियत होती है, जिसकी खेती होगी हल वही चलेगा, बीज वही बोएगा। पड़ोसी को हक नहीं होता कि जिसकी खेती हो कोई दूसरा आकर के बीज बो दे। इसीलिए हमारे औरत को खेती कहा गया है। जो औरत को खेती नहीं मानता वो समझे कि बीज किसने बोया है तुम्हारा मैटर, तुम जानो, हम मेंबर के तहत उसको प्रमाण ले। बहुत 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 या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत बहुत सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और ये तो मैं नारे रिसालत, ये तो मैं तालिबे इल्म हूँ, मैंने खेती का माना इतना ही बयान किया। हालांकि और भी आ रहा है, लेकिन मेरा उन्वान ये नहीं है। जब हमारे उलमा और मुहक्किकीन बयान करेंगे तो छुटने को जगह नहीं। इसलिए हम कहते हैं नचनियों को कहो औकात में रहे। हमारे कुरान की, अरे तुम क्या करोगे कुरान की तफसीर?
जब गालिब और इकबाल के अशार समझने की तुम्हारे अंदर औकात नहीं है, जब तुम गालिब और इकबाल के अशार समझने की औकात नहीं रखते, जब मखलूक के अशार समझने की औकात नहीं है, तो खालिक के कलाम को समझने की औकात कहां से ला। मेरे नबी के कलाम की शान है फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लछे, जाने मुंह में जबान नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, बयान है जिसका बयान है। जब नबी की जबान की ये शान है तो कुरान की जबान की शान का आलम क्या है।